तीन बदमाशों ने वार्ड पार्षद का किया मर्डर, जहां हाजीपुर में बाइक से आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। एसपी ने ली जानकारी, विधायक ने किया विरोध। वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला पश्चिम में बाइक पर आए तीन बदमाशों ने वार्ड पार्षद को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बाइक सवार सभी बदमाश ब्रह्मस्थान की तरफ भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों की भीड़ स्थल पर जुट गई। लोगों ने वार्ड पार्षद को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान चंद्रिका राय के 40 साल के बेटे और मौजूदा वार्ड पार्षद पंकज राय के रूप में हुई। घटना को लेकर स्थानीय दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि एक पल्सर बाइक पर तीन बदमाश पहुंचे और 10 से 12 राउंड फायरिंग किया। इसमें कुछ गोली वार्ड पार्षद पंकज राय को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने घर के बगल में कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे। वही घटना की सूचना मिलते ही एसपी हरकिशोर राय, सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश और कई थानों की पुलिस मौके पर सदर अस्पताल पहुंची। एसपी ने मृतक के परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पंकज राय पहली बार वार्ड पार्षद बने थे। 4 महीना पहले ही कुछ लोगों से बच्चे को लेकर उनका विवाद भी हुआ था। एसपी ने घटना को लेकर कहा कि रात के 8 बजे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। 3 लोगों के होने की जानकारी मिली है। मृतक वार्ड 5 का निवासी बताया गया। 3 गोली लगने की सूचना है। फिलहाल टीम जांच में लगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुराने विवाद में गोली मारने की बात बताई जा रही है, उस पर भी जाँच की जा रही है। अस्पताल पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन महुआ ने कहा कि हाजीपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं अस्पताल में नाराज होकर विधायक ने शिकायत करने के लिए डीजीपी को कॉल किया। हालांकि डीजीपी से उनकी बात नहीं हो सकी। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड पार्षद पंकज राय की गोली मारकर हत्या हुई है, यह काफी दुखद घटना है। उनकी हत्या पुलिस प्रशासन को अपराधी की तरफ से चुनौती है। इस घटना के बाद यह स्पष्ट होता है कि बिहार में महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। जब कोई जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या कहना, और वो कहां से सुरक्षित होंगे। अब पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। 6 माह पहले ही वार्ड पार्षद पंकज कुमार ने एसपी डीएसपी से सुरक्षा के लिए गार्ड की मांग की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उनकी हत्या हो गई। आपके ही इलाके में है, देखिए हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद पंकज राय जी का अभी हत्या हुआ है। काफी दुखद घटना है। सामाजिक न्याय के वो मजबूत स्तंभ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथी रहे हैं। उनका हत्या कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को ये चुनौती दे रहा है अपराधी कि घर पे भी अब लोग सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधि जो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है उसको शाम के 7:30 बजे 4-4 गोली दरवाजा पे मार देना, कहीं ना कहीं लगता है कि महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। उसी का नतीजा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने घर पर भी अब नहीं सुरक्षित रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब पब्लिक का जो है पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया है। इन लोगों ने पहले से शिकायत किया था पुलिस? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी परिजन के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व में सुरक्षा का मांग किया गया था और उनके द्वारा दिया गया था आवेदन एसपी साहब को, डीएसपी साहब को कि भाई मेरा जान माल का खतरा है, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराइए। लेकिन सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको कोई मतलब नहीं है। आम आदमी का कीमत जान का कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। आए दिन लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, लेकिन ये लोग बस दारू और बालू में व्यस्त हैं, वसूली में लगे रहते हैं। कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। आम आदमी जो मरा रहा है उसका परिवार का क्या होगा, उसका बाल बच्चा का क्या होगा, कोई मतलब नहीं। ये लोग सब लोग जो है बस वसूली में लगा रहता है। आए दिन निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है और दोषी लोग जो है वो सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। हम जो भी दोषी है उसको हम पुलिस प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि चाहे जो भी अपराधी है उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, चाहे जो भी
सामने आए, जो दोषी है उसको पकड़ करके इनकाउंटर करना चाहिए। इस मामले में कहीं मामले की जांच हो रही है, छानबीन हो रही है, क्या अपडेट होता है हम आपको तुरंत बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।